साथियों, कांग्रेस हमेशा से रॉन्ग डिलीवरी वाली पार्टी है। देश को आजादी दिलानी थी लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया। देश का विकास करना था लेकिन जो था वो भी लूट लिया। गरीबों का पैसा गरीबों को जाना था लेकिन कांग्रेस की तिजोरी में पहुंचा। अब एससी एसटी ओबीसी के हक का आरक्षण, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे बख्शी पंथ के भाई बहन, उनको जो आरक्षण मिला है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, ये आरक्षण भी अब एससी एसटी ओबीसी से लेकर के धर्म के आधार पर मुसलमानों को डिलीवर करना चाहते हैं। पिछले तीन दशक से कांग्रेस लगातार ऐसी कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटका में रातों रात एक फतवा निकाला, एक पेपर निकाला, थप्पा मार दिया और कह दिया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं वो सबके सब ओबीसी है। हुआ क्या, ओबीसी कोटा में जो आरक्षण था उसमें से बहुत बड़ा डाका डाल दिया, लूट लिया और ओबीसी का आरक्षण उधर चला गया। ये खेल खेलते जी। और इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, उसमें अगर आप देखेंगे पहली नजर में ही लगता है कि उनके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पंजा नहीं है, उस पर मुस्लिम लीग का पंजा है।